माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एरिया एंड पेरीमीटर, है ना। एरिया एंड पेरीमीटर में क्या अंतर होता है, हम लोग इसको देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर का। चलिए तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में हम लोग समझते हैं। कहता है रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखेंगे आप, अगर ये हमारा जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा सी डी, जितना बड़ा बी सी उतना ही बड़ा ए डी। ये लेंथ कहलाता है और ये क्या कहलाता है, ब्रेथ कहलाता है। ओके, सो अगर लेंथ 10 है तो यहाँ भी क्या होगा, अगर ब्रेथ यहाँ 5 है तो ब्रेथ यहाँ भी क्या होगा, 5। तो कहता है कि अगर आप इसको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को जरा ध्यान से समझेंगे ना, पेरीमीटर का मतलब होता है हम उसके बाउंड्री में जो चलते हैं, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। मींस यहां से कह सकते हैं कि अगर इस बोर्ड के बारे में अगर हम लें, तो इस बोर्ड में ये वाला पार्ट अर्थात ये किनारे वाला पार्ट अगर हम लेंगे, ये किनारे वाला पार्ट लेंगे, ये कहलाता है उसका पेरीमीटर, है ना। तो हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, समझिए यहाँ से हम पहले यहाँ तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या आया, L प्लस का साइन। यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या आया, B प्लस। यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या आया, फिर से L। फिर यहाँ से यहाँ तक चले आए तो फिर से क्या आ गया, B आ गया। अब देखोगे आप, L और L को जोड़िए 2L प्लस B और B को जोड़िए 2B। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो हमारे पास आ गया L बचा, 2 तो निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, B बचा। मींस पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये फॉर्मूला आया। लेकिन अगर किसी कारण आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप सिंपल से इसके जो बाउंड्रीज होंगे आप उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। उसी तरह से हम चलते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ऑल साइड्स क्या होते हैं, मान लीजिए ए आप बी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना। सपोज दैट अगर यहाँ 6 है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो हम बात करते हैं अगर पहले इसका एरिया का, किसका बात करते हैं हम, एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला आप क्या होता है बताइए, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर। और साइड को हम क्या माने हैं, ए, ए का स्क्वायर। अगर ए के प्लेस पर 6 है तो 6 का स्क्वायर। मींस कहता है जो भी साइड दिया रहेगा उसका सिर्फ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। ध्यान देंगे, इसका हम बात करते हैं पेरीमीटर। क्या बात करते हैं, पेरीमीटर। फिर से सेम हमारा जो थॉट होगा, यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या आया, ए। फिर यहाँ से यहाँ तक चले क्या आया, ए। फिर यहाँ से यहाँ तक चले क्या आया, ए। फिर यहाँ से यहाँ तक चले क्या आया, ए। और ए ए ए ए सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 4a। कितना आ गया, 4a। यहाँ पर एक चीज और हम सिखाना चाहते हैं आपको कि अगर a into a into a into a रहे तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में रहे तो a के पावर में क्या हो जाता है, 4। लेकिन जब यही प्लस में होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4a। जोड़ के क्या लिखेंगे हम लोग, 4a। अब ध्यान देंगे इसमें हम लोग एक सिर्फ और छोड़ दे, वो है डायगोनल। क्या छोड़े हैं हम लोग, डायगोनल छोड़ दिए। ध्यान देंगे डायगोनल क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते हैं वो इसका क्या है, डायगोनल। क्या है उसका, डायगोनल। ध्यान देंगे डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाद में हम आपको सिखाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आया कहां से। एक्चुअली हम लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसके बाद हमारा डायगोनल मिलता है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहां अगर हम बात करें इसका डायगोनल का इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2a। क्या फॉर्मूला इसका होता है? रूट अंडर 2a। ये इसका फॉर्मूला है डायगोनल का। अब हम लोग फॉर्मूला तो देखे हैं बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरियाज एंड पेरीमीटर। हम कैसे पता करेंगे कि कहां पर हमें एरिया निकालना और कहां पर हमें पेरीमीटर निकालना है ना। तो ध्यान देंगे आप लोग, कभी आप इमेजिन कीजिए, कभी आप खेत में गए होंगे है ना, खेत में गए होंगे तो खेत में जो धान लगा हुआ है, ये जो धान है वो एरिया है। क्या है? और ये जो उसका खेत में जो एक मेड़ रहता है ना, जिसको हम लोग गांव में आर बोलते हैं, आरी बोलते हैं, उसको मेड़ जो होता है जिस पर हम चलते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि उस खेत का जो मेड़ है, मेड़ पर चल रहे हैं हम लोग, तो उसका मतलब पेरीमीटर, उसका मतलब। और वही अगर मेड़ से हम नीचे उतर के आ गए खेत में, इसका मतलब एरिया, उसका मतलब क्या हो गया? एरिया। ध्यान देंगे। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, सपोज दैट आप देखे होंगे कहीं कोई अगर मेरे पास प्लॉट है, जमीन है, उसमें बाउंड्री मारा हुआ है ना, तो बाउंड्री जो मारा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। बाउंड्री के अंदर जो हमारा जमीन है वो क्या कहलाएगा? एरिया। इस कमरे में हम लोग बैठे हुए तो ये दीवार हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। और दीवार के जैसे ही हम अंदर इन कर गए वो क्या कहलाएगा? एरिया। तो जब आपको अंदर का कुछ निकालना हो तो आप एरिया निकालिएगा। या फिर क्वेश्चन में कभी ऐसा आता है तार घेरने का निकालिए आप, कितना डिस्टेंस है ना, या फिर बाउंड्री का आप निकालिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या निकालोगे? पेरीमीटर। मींस बाउंड्री के बारे में बात करें तो पेरीमीटर, और बाउंड्री से अंदर के बारे में बात करें तो एरिया। अगर सिर्फ इसका बात करें, सिर्फ इस बाउंड्री का बात करें अगर, तो हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर, और बाउंड्री से जस्ट इसके अंदर में आ जाए तो क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर में ही हम लोग आगे आएंगे, जिसमें हम लोग का सर्कल होगा, ट्राइंगल होगा, है ना। ओके, थैंक यू।